तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में अगर गाड़ी आपको चलाना है तो किस तरीके से चलाएंगे, क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स बारिश में गाड़ी चलाते समय सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी का आपका जो डिस्टेंस है, जो आपका सामने वाले गाड़ी है उस गाड़ी से मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, और बहुत पीछे आपको जैसे 15 से 20 मीटर तक फ्रेंड्स आप गाड़ी को पीछे अपनी रख सकते हैं तो सही से गाड़ी चल पाएगी। और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी अपने थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। अगर ज़्यादा बारिश ज़्यादा स्पीड होने लगता है फ्रेंड्स तो जो साइड वाले जो एरिया होता है, लेफ्ट वाला और राइट वाला जो एरिया होता है और सामने वाला, वो धुंधला दिखने लगता है, तो उस समय फ्रेंड्स क्या करें आप। कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि गाड़ी के इमरजेंसी लाइट जो होता है वो ये वाला जो चारों साइड का इंडिकेटर जलने लगती है वो ऑन कर देता है। फ्रेंड्स इस चीज़ को कभी नहीं ऑन करना चाहिए। अगर आप लेफ्ट या राइट में कट ले रहे होते उस समय आप इंडिकेटर देंगे तो आपको पता लगेगा कि हम इंडिकेटर देकर मोड़ रहे, लेकिन पीछे से चारों इंडिकेटर या साइड से जलती रहती है तो पीछे वाला जो आदमी है वो जजमेंट नहीं कर पाता कि आप किस साइड जाएंगे, तो गाड़ी एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जिस समय बारिश होती है उस समय थोड़ा पहले ही ब्रेक लगाना पड़ता है अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं अपने कार में तो। और फ्रेंड्स रोड पे जहाँ पानी लगा हो वहाँ पे गाड़ी लेकर के नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे होता क्या कि साइलेंसर द्वारा आपके इंजन में पानी जा सकता है या एयर फिल्टर द्वारा वहाँ पे पानी आपके इंजन में जा सकती है। और फ्रेंड्स अगर कोई रेड लाइट आया कुछ भी आया तो बारिश में रेड लाइट नहीं क्रॉस करना चाहिए, लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और गाड़ी का डिस्टेंस करके चलना चाहिए। और जो होता है फ्रेंड्स कि जैसे बारिश आ रही है, बारिश में आपको दिख नहीं रहा है तो लाइट का उपयोग करें, और ज़्यादा दिक्कत हो तो साइड में आप गाड़ी के धीरे से अपना जो साइड वाली लेन होता है उसमें आप चला सकते हैं। और गाड़ी फास्ट ज़्यादा ना चलाएं फ्रेंड्स, बारिश में गाड़ी फास्ट नहीं चलाना चाहिए। और फ्रेंड्स गाड़ी चलाते समय एक बात और याद रखना चाहिए कि जो लेफ्ट साइड का इस साइड का जो विंडो होता है या राइट साइड का जो विंडो होता है उस विंडो को बिल्कुल बंद करके रखें रोड पर चलते समय बारिश में, क्योंकि जो साइड से गाड़ी गुजरती है तो फ्रेंड्स नीचे जो पानी इकट्ठा जमा हुआ होता है वहाँ से जब गुजरती है तो पानी के छींटे हो सकता है तो आपको गाड़ी में आ सकती है, इसलिए अपने विंडो को बंद करके ही रखें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका शीशा अगर धुंधला हो गया है तो ये एसी सिस्टम है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ से कूलिंग होता है, ये ब्लोवर है, यहाँ से नंबर 1-2 पर के लगा रख करके रख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स जो देख रहे हैं ये विंड स्क्रीन की तरफ इसको ऊपर से घुमा करके यहाँ पर कर दे और एसी चला दे तो आपका शीशा के जो है जो फोग होता है धुंध वो बिल्कुल हट जाएगी और शीशा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स कोई गाड़ी क्रॉस को हो रही है या कोई खुला वाहन जा रहा है जिसको दरवाज़ा नहीं है, ऑटो थ्री व्हीलर हो गया या बाइक वाले हो गए या पैदल चल रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान रख करके थोड़ा चलाए कि आप बारिश के पानी उसके ऊपर ना पड़े। अगर जहाँ पे पानी है वहाँ गाड़ी स्लो कर ले और ताकि दूसरे आदमी को उससे नुकसान ना पहुँचे फ्रेंड्स। और अपने गाड़ी का हेडलाइट लो बीम करके जला ले, उससे होता है फ्रेंड्स ये कि जैसे आप हेडलाइट जलाएंगे तो आपका जो पीछे के जो ब्रेक लाइट होती है उसमें छोटी लाइट पार्किंग वाले जो लगी होती है वो भी जल जाती है और उससे पता चल जाएगा पीछे वाले आदमी को कि आगे गाड़ी है, और आप ब्रेक मारेंगे तो और पता चल जाएगी, ब्रेक लाइट जलेगी तो पता चल जाएगी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जजमेंट करके अपना गाड़ी चलाएंगे। और कभी भी गाड़ी धीमे धीमे चलना चाहिए, इंडिकेटर का उपयोग 100% करें दोस्तों। जहाँ पर मुड़ते हैं वहाँ पर बारिश में तो कभी मिस्टेक करना ही नहीं चाहिए, कोई भी लाइट का या कोई भी इंडिकेटर का कहीं कोई भी कट हो या कहीं भी अगर आप ले रहे हैं कोई भी कट ले रहे हैं, यू टर्न का भी ले रहे हैं, वहाँ पर भी इंडिकेटर देकर यू टर्न लेना चाहिए। और अगर डिम्पर के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें फ्रेंड्स कि जैसे धुंधला दिखने लगे तो डिम्पर से पता लग जाता है कि हॉर्न बजाया करें, थोड़ा पास में तो हॉर्न की यूज कीजिए, डिम्पर दिखाइए, ये चीज़ सब जो होता है बारिश में ज़्यादा काम आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बारिश में गाड़ी चलाने के धीमा चलाने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जो स्पीड ब्रेकर आएंगे ज़्यादा फास्ट में अगर चलते रहेंगे तो आपको पता नहीं लगा स्पीड ब्रेकर का कि कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आप स्लो चलते रहेंगे तो आपको स्पीड ब्रेकर का भी पता चलेगा कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, क्योंकि बारिश जिस समय होती रहती उस समय स्पीड ब्रेकर के पता नहीं चलता है, नहीं तो कहीं पानी लगा होगा तो उस समय आपको गड्ढा का पता चलेगा कि यहाँ पर कितना गड्ढा है, इस चीज़ सब को देख करके ही गाड़ी चलाना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर कैसे निकाले, किस तरीक़ा से निकाले, वो धीरे धीरे निकालने से पता लगता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर गिरेगा भी गाड़ी गड्ढा में तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर गड्ढा है, तो धीरे धीरे तो हम उससे बच सकते हैं।